इतना रथ नहीं होंगे, इतना युवक युवा जारी रहा था। अंग्रेज आए थे तो नौ भी ले लाते थे, इतना नौ थान लाग दिया, हमें कुछ नहीं टांगे। अरे क्या करे मोदी, कोरोना कोरोना को टोल प्लाजा पर किसानों को बैठे हो गए हैं। आज यहाँ महिला महापंचायत बुलाई गई है और टोल प्लाजा के बीचों बीच जो बैठे हुआ करते थे, ये सारा एक पंडाल के अंदर हजारों की संख्या में यहाँ महिलाएं बैठी हैं, हाथ में स्लोगन लिए बैठी हैं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और महिलाएं यहाँ पहुंची हैं भारी संख्या के अंदर। ये किसान महिलाएं हैं जो किसानियत करती हैं। मांगेराम किसान नेता हुआ करते थे, उनके परिवार के सदस्य यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके पुत्र हैं। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह मलिक। आज महिलाओं का ये कट करवाया हुआ है आपने, महिलाओं की पंचायत है बेहतर गाँव की कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले, तो महिलाओं में क्या जागृति लाना चाहते हैं, विधेयकों को लेके, कानूनों को लेके? देखो, जब महिला जागृति नहीं होंगी तब तक हमारे देश का उद्धार नहीं हो सकता। जो नारी है इतनी जागरूक हो चुकी है, हर जो कानून के जो नारे के पहलू के बारे में जानकार है, पढ़ी लिखी है, वो अनपढ़ जमाना चला गया है, ये अच्छाई और बुराई हर तो ये आपके तीनों कानूनों के साथ आगे कदम से कदम मिलाकर चल रही है? बिल्कुल चल रही है। हाँ जी, ये तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक ये वापसी का नाम नहीं लेनी। ये तीनों कानून जो है रद्द हो और MSP का तय ऊपर कानून बने, तभी अपने घर वापसी होगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज आपके परिवार के सदस्य अध्यक्षता कर रहे हैं इस महिला पंचायत के। जी, चौधरी मांगेराम जी के ये पौत्र वधु यहाँ पहुँची हैं। हाँ जी, तो इन महिलाओं को क्या संकेत है तीनों कानूनों को लेकर? इनको यही जागरूक करना है कि ये कानून हमारे विरोध में है, हमारे पक्ष में नहीं है। इनसे हमारे पूरे देश को ही जो हानि होगी ना के लाभ होगा, इसलिए इनको रद्द करवाना बहुत जरूरी है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रणवीर सिंह मलिक है। गांव की पंचायत है ये हमारे हिसार के चार टोल लगते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, चौधरीवास टोल है, लांदड़ी टोल है, बाडोपट्टी टोल है और दूसरा ये रामायण और मयर टोल जिसको हम बोलते हैं। तो सभी को इकट्ठा किया है देश और प्रदेश की वो महिलाएं जिन्होंने किसान आंदोलन के चलते कुछ खास किया है या फिर अपनी भागीदारी दिखाई है। वो महिलाएं यहाँ आएगी और इन महिलाओं को संबोधित करेगी और बताएगी कि जब महिला आवाज उठाती है तो कुछ भी कर सकती है, वो सिर्फ घर के काम तक सीमित नहीं है। जी, भारी संख्या में जो यहाँ महिलाएं इकट्ठी हुई है, इनको क्या संदेश देना चाहती है मंच के माध्यम से? ये मांगेराम के परिवार के लोग यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं। संदेश मेरा यही है कि आप अपनी शक्ति को पहचानो, जब आपकी शक्ति आगे आएगी तो सरकार को पसीने आएंगे और इस सत्ता से वो हाथ धो बैठेंगे। और मैं कहूंगी कि अगर आपको कोई भी मौका मिले किसान के लिए कुछ करने का, किसान के लिए कहीं भी जाने का, आप कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरीके से खेत में और घर में काम करती है उस तरीके से आंदोलन में भी काम करती है। आपका शुभ नाम? रीमन नैन, गांव के जिला। कितने महीने हो गए आपको लगे? चार महीने, नवंबर से मैं लगी थी किसान के साथ में। बिल्कुल, मैं मास्टर डिग्री MA से कर रही हूँ, मैंने JBT हरियाणा कोर्स किया है। तो महिलाओं को जागरूक और युवाओं को जागरूक करने के लिए काम कर रही हूं? जी बिल्कुल, यदि मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी आवाज से कोई एक युवा को सोच बदले तो मेरा यहाँ आना। आप देख रहे हैं कि ये रीमा नैन जो है कि एक युवा स्टूडेंट है और जो महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही है। आप ये देख रहे हैं इतनी संख्या में जो ये महिलाएं बैठी हैं, ये इस बात का द्योतक है कि महिलाएं भी यानी कि किसानों के साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तीनों कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए यहाँ बैठी हैं। और दिन ये आती थी थोड़ी कम संख्या में तो यहाँ चारों टोल प्लाजा पर जहाँ यानी कि वहाँ धरने प्रदर्शन है, चारों टोल प्लाजा से विभिन्न गांव से ये महिला पहुंची है और हाथों में नारी मुक्ति सबकी मुक्ति, इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के स्लोगन लिए हुए हैं। ये नारी मुक्ति सबकी मुक्ति, ये सारी सारी ये जितनी बैठी है।
आप ये महापंचायत बुलाने की क्या जरूरत है जो आप रोजाना दिल्ली आते हैं? नहीं, महिला पर जो आज महिला महापंचायत बुलाई गई है ये इसलिए बुलाई गई है ताकि जो महिलाएं हैं जो सिर्फ घर तक सीमित है उनको बाहर की दुनिया दिखाई जाए, उनको अपने हकों के लिए जागरूक किया जाए। और जो ये किसान आंदोलन है उसमें लगातार वो जो भागीदारी दे रही है उनका हौसला और ज्यादा बढ़े ताकि ये जितनी लंबी लड़ाई हो साथ साथ सब एक कदम। बहुत मलाल हमारे अंदर, अगर ये कानून वापिस नहीं होंगे तो हम ऐसे ही नए नए उपाय अपनाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। क्या नाम आपका? बनाने में बार बार मैं बोल रही हूँ, किसान फैमिली व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ होता है व्यवस्था को बनाए रखने में। आप विभिन्न पगड़ी के अंदर भी ये महिला पहुंची है यहाँ पर, युवा पहुंची है और ये बार बार ये कह रही है कि महिलाएं पुरुषों के साथ अपने से कंधा मिलाकर हम तीनों कानूनों को रद्द करवाने में अग्रसर रहेंगी। इसी मकसद के साथ, इसी उद्देश्य के साथ, इसी उद्देश्य के साथ ये देख रहे हैं कि महिलाओं का कष्ट हुआ है यहाँ पर। और मैं, मेरे सीनियर रिपोर्टर रवि सैनी के